सो हे गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। ठीक है ना गाइस, आज अपन लोग बात करेंगे विंजो गोल्ड एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों उसके अंदर फ्री फायर का टूर्नामेंट वगैरह चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं। और गाइस विंजो गोल्ड क्या है आप लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दें, दोस्तों एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आप लोग गेम खेल कर पैसे अर्न कर सकते हो। और गाइस उन पैसों को आप अपने अपने पेटीएम, अपने बैंक अकाउंट या फ्री फायर के डायमंड वगैरह भी ले सकते हो। ठीक है ना, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ गाइस इसे। मैं आपको इसकी जो फ्री फायर के टूर्नामेंट की जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो बनाने से पहले मैंने उन बंदों से बात की थी जो विंजो गोल्ड में फ्री फायर के टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं। तो गाइस मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि भाई पैसे बर्बाद दिए इनके ऊपर। ठीक है ना, अगर आप खेलते हो तो खेलने, वरना मैं आपको बता रहा हूँ जो सच्चाई है, मैंने उनसे पता करे हुए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, होता क्या है कि आप लोग विंजो गोल्ड जब आप उसके अंदर एंट्री कर लेते हो टूर्नामेंट के अंदर, यानी कि 50 रुपीज़ की वन एंट्री होती है और पर किल के ऊपर आपको 40 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है ना, 40 रुपीज़ पर किल के ऊपर आपके मिलते हैं। ठीक ना, तो गाइस इस बीच आपके एक या दो किल मुश्किल से होते हैं, एक भी किल नहीं होता, क्योंकि यार इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हैकर्स आते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा जो मुझे किसी भाई ने भेजी। ठीक है ना, और उसकी मैं आपको एक क्लिप दिखा दूंगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि भाई जो सचमुच में कभी हैकर वगैरह भी आ सकते हैं। ठीक है ना, हैकर वगैरह आते हैं इसके अंदर, तो मेरे पास क्लिप है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और गाइस मैंने 3-4 बंदों से बात की तो उन्होंने यही बोला कि भाई हैकर आते हैं, और मैंने उनसे क्लिप ली, मैंने बात की भाई तुम्हारे पास क्लिप है तो देना, कि बहुत लोगों के पास क्लिप नहीं थी क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था, फिर मैंने किसी से ली। ठीक है ना, और वो क्लिप मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, आप इसका गेम प्ले देख के आप यू बताना कि भाई ये करिए या कुछ और रही है। गाइज यहाँ पर ये बंदा था जो फ्री फायर के टूर्नामेंट खेल रहा था, और टूर्नामेंट खेलने के साथ ये रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है ना, और गाइज इस बंदे को इसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया और हेड भी दिया था। अब देखना आप लोग, ठीक है ना, बाउंड्री के ऊपर है, बाउंड्रीज के ऊपर, और गाइज इसकी हेल्थ देखो कितने ज़्यादा उसने डैमेज इसको दिया था, लगभग 100 के लगभग उसने इसे डैमेज दिया था। बट इसकी हेल्थ देखो पूरी की पूरी है गाइज, और इसकी मूवमेंट स्पीड में मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा ही लगी। ठीक है ना, आगे आप लोग देखना क्या होता है। गाइज इसे वो सामने बंदा दिखाया बट वो बच गया। ठीक है ना, और अब देखना यार दोनों को दोनों मुकाबला होता है, और गाइज इसके जो हेड पड़ता है ना गाइज वो तो कुछ और ही होता है। काफ़ी बंदे यार जो होते हैं नूब होते हैं और वो हैक लगा कर आ जाते हैं विंजो गोल्ड में, और वहाँ पर जाकर अब देखना आप इसके साथ क्या होता है। इसके साथ तो बहुत ही खतरनाक वाला था भाई, ये आगे भाग रहा होता है और इसके हेड लग जाता है पीछे से। अभी देखना आपको मैं वो क्लिप दिखा, गाइज यहाँ पर इसने ग्लियोर लगाई, अब देखना आगे क्या होता है। आगे तो बहुत ही खतरनाक वाला सीन होता भाई, मैं तो खुद हैरान हो गया भाई ऐसे कौन हेड पर देता है। गाइस इसने यहाँ पर पेड का कवर, यहाँ पर ट्री का कवर लेके आगे जा रहा था। गाइस अब देखना गाइस ये देखो पट देने हेडशॉट, गाइस पता भी नहीं लगा बंदा का निशान, देखो मैप के अंदर बंदा कहाँ है और इसे हेड कहाँ पर लग रहा है भाई। देखो ऐसे जाते हैं वहाँ पर पता तक नहीं लगता भाई कहाँ से मारा, किसे मारा, कैसे मारा। और भाई जो अगला बंदा आता ना गाइज उसकी भी स्पीड और मूवमेंट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गाइज इस बंदे ने उसे किल किया था, गाइज अभी इसकी मूवमेंट देखो आप, मूवमेंट देखो भाई कितनी ज़्यादा फास्ट ये बंदा जा रहा है। गाइज ऐसे ऐसे कराते हैं गाइज इसमें आप लोग तो एक भूया तो क्या, आप लोग एक किल भी नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उसने गेम खेला था, 3-4 गेम मैच खेला था टूर्नामेंट, और उसमें वो हार गया भाई, उसके पैसे बर्बाद हो गए और काफ़ी बंदों के बर्बाद भी हो गए। जिसमें विंजो और फ्री फायर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये जो हैक लगा कर रहती है अपनी नूब आईडी से दूसरी आईडी से लगा कर आते हैं और फिर उससे गेम प्ले करके यानी कि उससे पैसे कमा लेते हैं और फिर अपने रियल अकाउंट के अंदर डायमंड वगैरह ट्रांसफर कर लेते हैं। इसमें भी हैकर वगैरह आते रहते हैं, और अब तो विंजो के अंदर भी हैकर वगैरह आने लगे। तो गाइस इसमें विंजो और फ्री फायर कुछ भी नहीं कर सकता, फ्री फायर यार अपनी तरफ से कर रहा है आईडी वगैरह, हैकर्स की आईडी वगैरह बैन कर रहा है, कितने की आईडी बैन करेगा गाइज अब मुझे भी पता नहीं है। और विंजो को भाई लेवल के हिसाब से लेना चाहिए, अगर मैं सजेस्ट करूँ तो गाइज ये इसी का एक ही तरीका कि भाई लेवल के हिसाब से बंदों को ले, यानी कि जो बॉनरेज वगैरह है, बॉनरेज वगैरह पर रहते हैं बंदे और उनका लेवल बिल्कुल कम होता है, तो भाई उनको ना ले मैच के अंदर भाई, मैं तो ये रिकमेंडेड करूँगा। और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है भाई, हैकर वगैरह तो आते ही रहेंगे और अपन लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो बस यार यही था वीडियो, इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों के भाई विंजो गोल्ड के अंदर अगर आप पैसे लगा कर खेल रहे हो तो उसमें हैकर वगैरह आते हैं और आप लोग अपने पैसे हार जाते हो। इसके लिए मैंने यार ये वीडियो बनाया है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और फैक्ट वगैरह जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय, मैं मिलता हूँ।